शेल्टर ढूंढना चाहिए, यहाँ पे कच्ची सूखी घास को। तो गाइस अभी हम लोग कल यहीं पे हमने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करी थी और मेरी तमन्ना काम आई। मौसम देखो, मैं खाना खा रहा था अभी स्कूल से आया था, इतना एक्टिव मैं आज से पहले कभी नहीं हुआ, पर मौसम देखो मन भर रही है। इतना बढ़िया चीरो को दिखाओ, उधर चीरो पंछियों को दिखाओ, ये उड़ते रहे वही तो चल गई आंधी, आंधी चल गई, देखो टिंटिन उड़ गया, उड़ गया। तो दूर दूर देखो कितना गजब का मौसम हो रखा है, देखो। पर हमारा खाना नीचे छुटा हुआ है, खाना ठंडा हो गया पर मौसम गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा ही रहे वैसे। वो देखो बादल देखो, हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है, बारिश शुरू हो गई है, बादल ज्यादा ही दिख रहे होंगे आपको, बहुत ही स्लो जा रहे हैं। और ये देखो कितने खतरनाक हो रखे हैं यहाँ पे, तो ये देखो। तो गाइस अब मेरे को बचा है एक दिन, आज की रात निकालनी है बस, फिर मेरा 11 साल 9 महीने का सपना पूरा हो जाएगा, मैं बनूंगा एक पीजीटी टीचर। पीजी बनेगा तो लिस्ट आ गई। अच्छा आ गई, तू क्या बनेगा? पीजीटी ज्योग्राफी। अच्छा गाइस ऐसी क्लास में जाऊंगा, चीकू की, पहले चीकू की क्लास में जाऊंगा ऐसे, और बोलूंगा हैंडीकैप बाहर निकल चल, पहले चीकू ही बाहर निकाल दूंगा, फिर उसके बाद बच्चा कोई पूछेगा मुझसे, ये मेरा ड्रीम है कि बच्चा पूछे भैया परफ्यूम कौन सा लगाते हो, आई मीन टीचर आप परफ्यूम कौन सा लगाते हो, तब बोलूंगा बेटा आपके बजट से बाहर है, छोड़ो छोड़ो टॉपिक के बाहर बात करते हैं। ये मेरी गाइस इमेजिनेशन है, अगर ये सच हो जाती है मजा आ जाएगा। चलो बहुत तेज आंधी आ रही है और छींटे भी शुरू हो गए, बारिश होने लग गई। इस मौसम में मेरा सर्वाइवल बहुत कठिन लगता है। और देखो मेरे पौधे कितने बढ़िया हो रखे हैं, और जो मिर्ची का पौधा था वो देखो मिर्ची आ गई है इस पे गोल गोल वाली, बिल्कुल लाल और फिर काली हो जाती है। आप बताओ एक बार आपने अब हम कार्डो का और वो ड्रैगन फ्रूट का भी वो लगा था प्लांट शायद, हाँ सूख गया वो जब मैं गाँव गई। मैंने मंगा रखे वो, तब सजा के तब पता दिखाऊंगा, बढ़िया हो रखे मेरे पौधे, नजर ना लगे मेरे पौधों पे। देखो बरसात के बाद निकले दो दो इंद्रधनुष, अगर आप ध्यान से देखो तो, हमारी छत से देखो। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और अभी 5:30 बजे मैं उठ गई हूँ और मैंने टिंटिन को भी उठा दिया। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बिल्कुल साफ मौसम होता है, हल्के बादल लग रहे हैं, कैमरे में कुछ ऐसे कलरफुल सा हो रहा है। आज है टीचर्स डे तो टिंटिन होगा तैयार, अभी सब कपड़े वपड़े तैयार कर रखे, मैंने रात को ही प्रेस कर दिए थे, तो चलिए मिलाते हैं अभी थोड़ी देर में जब वो तैयार व्यार हो जाएगा। तो गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ, फाइनल आउटफिट ये है, ये पीच कलर की शर्ट, उसके नीचे बुड्ढो वाली पैंट, बुड्ढो वाली पीछे हो थोड़ा सा बुड्ढो वाली का ठीक तो लग रहा उसका मैच, जैसे स्कूल के दिन बाल सेट लगाते थे आज तो होंगे ही नहीं, और ये 1200-1300 के जूतों ने ये दिया है, परफेक्ट चीज है। बाकी गाइस आज की हम फ्रेग्रेंस रखते हैं अपनी Afra 9 PM, और उसको थोड़ा बूस्ट देने के लिए फ्लोरल एलिमेंट बनाने के लिए उसका हल्दी गरम, इसमें लेयरिंग करेंगे एकदम। यह है टिंटिन का फाइनल लुक, और कल ही जूते लेने भागे फिर उसके लिए। और टाइम हो गया सब अच्छे, फोन वगैरह लेके जाना है बस, बिल्कुल उसके बाद जाऊंगा सीपी खाना वाना खाने के लिए। तो छिड़काव शुरू हो गया है, ज्यादा मत छिड़क, और टाइम हो रहा है 6:30 हो गया।
गाइस की ग्रीन एप्पल ये तो अभी टिल को छोड़ के आ गई हूँ मैं मेट्रो तक। कल शाम को इतनी बारिश हुई दिन से हाँ ऐसे 2:30 बजे से 3 बजे से बहुत गदर का मौसम देखा ही होगा आपने आगे वाली वीडियो में। और ये है इसके अगले मॉर्निंग जहाँ पे टिल का था आर्ट टीचर डे है उसका 12th वालों का। तो अभी गया देखते कहाँ कहाँ जाता है आगे ही बताएगा फिर वो हमको। तो दोस्तों शाम के 4 बज गए हैं और टिंटिन आ गया अभी आया है। कैसा रहा तुम्हारा? बहुत मेमोरेबल बनाया है बिल्कुल। तूने वीडियो वगैरह बनाई फोटो खींची कैसे हो गया? अरे मेरे दोस्तों ने खींचा मतलब। अच्छा वीडियो बना लेता है? हाँ वीडियो बनाई है क्लासेस में मैम वगैरह के साथ। अच्छा तो गाइस हम लोग जो है मैं साढ़े छह कह रहा हूँ 6:23 पे निकल गया था 10:30 पे हमारा जो है टीचर डे स्कूल में खत्म हुआ था। बिल्कुल मजे आए बच्चों को डांट रहे थे थप्पड़ वगैरह। तो गाइस फिर उसके बाद हम 11 बजे तक रुके अपने स्कूल में अपनी 12th D के जो क्लासरूम में हम टीचर्स वगैरह सब फोटो वीडियो बना रहे थे खींच रहे थे कुछ 4-5 बच्चे थे बाकी सब निकल गए थे गाइस। और उसके बाद स्कूल वालों ने कुछ पार्टी वगैरह नहीं दी तुमको? बस क्या डेंट थप्पड़ वगैरह। अच्छा बच्चों को जो टीचर थे ना मतलब हमारे जैसे टीचर स्कूल के जो बने हुए थे एक दिन के लिए वो कैंटीन जा रहे थे तो सरों ने उनको रजिस्टरों से मारा भाग भाग के क्योंकि सर जो एक्चुअल सर है रियल सर वो प्रेयर के दौरान समोसा नहीं खाते पर जो हम जैसे बच्चे बने उनको भूख लग गई पहले वो रियल का जूस पी रहे हैं अपना बस 20 रुपए का खरीद के। तो भूख और फिर उसके बाद हम चले गए थे मैं और मेरे 3 दोस्त थे मेरे साथ हम चले गए थे CP कनॉट प्लेस गाइस कनॉट प्लेस गए थे हम। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा खाना वगैरह खाया मंदिर भी गए जो हनुमान मंदिर है फेमस प्राचीन हनुमान मंदिर हम वहाँ पे भी गए उसके दर्शन करे उसके कह रहा हूँ हनुमान जी का हमने दर्शन करे प्रे करी की गाइस क्या क्या करा और हमने बस ऐसी चिल करा हरकतें करी हंस रहे थे पता नहीं पूरा टाइम क्यों। इंडिया गेट तो बस कनॉट प्लेस में ही घूमे। और गाइस फिर उसके बाद हम निकल गए घर की ओर बहुत थक गए पूरी बैक पेन दर्द हो रहा है अब सोते जूते जूते से चला नहीं गया इतना। और गाइस सबको हमने क्या बोलते हैं स्कूल में मॉक करा और रेस करा मॉक रेस का मतलब होता है अटेंशन सीकर हमने सबका जो अटेंशन है अपनी तरफ खींच लिया मेरे 5000 पॉइंट्स हो गए थे रेसिंग में और एक लड़के को या लड़की को रेस करने के लिए 100 पॉइंट मिल रहे थे गेस कर लो गाइस अब कितने करोड़ मैंने मॉक करा तो चलिए